नोएडा के एक मॉल में अपने परिवार के साथ घूमने आए जिलाधिकारी को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। रविवार को उद्धम सिंह नगर के जिलाधिकारी अक्षय गुप्ता अपने माता पिता से मिलने नोएडा आए थे, लेकिन किसे पता था कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो जाएगी। रविवार शाम अक्षय गुप्ता अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग करने और खाना खाने के लिए नोएडा के GIP मॉल आए थे। इस दौरान उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। डॉक्टर की माने तो जब तक उन्हें अस्पताल लाया गया था तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इन्हें लगभग 4:30-5 बजे हमारे पास लाया गया। ये GIP मॉल में खाना खाने गए थे, वहीं पे इनको हृदयघात हुआ। हमारे पास जब आए तो इनके हृदय की धड़कन रुकी हुई थी। हमारे डॉक्टर्स ने लगभग 45 मिनट के करीब इनको रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाए। 39 वर्षीय IAS अधिकारी अक्षय गुप्ता उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में DM पद पर तैनात थे। आपको बता दें कि अक्षय गुप्ता की पत्नी रिधिम अग्रवाल भी IPS अधिकारी हैं और वो 31वीं वाहिनी PAC में तैनात हैं। नोएडा से बलराम पांडे की रिपोर्ट, DB लाइव। फिलहाल जिलाधिकारी अक्षय कुमार की अचानक मौत से उनके घर में मातम पसरा हुआ है, जिसकी वजह से उनके परिजन किसी से भी बातचीत करने के लिए आगे नहीं आए। देखते रहिए DB लाइव।